हेलो दोस्तों, यदि अभी तक आपने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की और सारे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, जहाँ से जाके आप हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो इन्वायरमेंटल स्टडीज से लेक्चर्स होने वाला और सेकेंड होने वाला, जैसे कि मैं पहले आपको ही बता दूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारी आज की टॉपिक है कि सतत विकास या साधारण विकास के लक्ष्य क्या क्या हैं, बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, MDGs के अनुसार जो है MDG को हासिल न कर सकने की हालत को देखते हुए सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नई रूपरेखा ट्रांसफार्मिंग आवर वुड दी 2023 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें क्या हुआ है कि 2016 से 2030 तक की अवधि में 17 लक्ष्य परियोजना हासिल करना है। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ है कि 17 लक्ष्य परियोजना जो है हासिल करने के जो है अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस लक्ष्य को SDGs कहा गया है। तो दोस्तों, जो हमारा इस लक्ष्य परियोजना लक्ष्य बनाया गया है इसका, उसे SDGs नो पुअर्टी, दोस्तों गरीबी के सभी रूपों को विश्व में समाप्ति। तो दोस्तों, हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है, यानी हमारे विश्व पूरे विश्व में कह दें कि गरीबी ज़्यादा होने के कारण इसको सबसे पहले ख़त्म करने की जो है लक्ष्य बनाया गया। अब बात कर लेते हैं जो हमारा इसका नेक्स्ट है लक्ष्य, जीरो हंगर, यानी देश में विश्व में पूरे भूखे लोग बहुत कम लोग रहें, ऐसा इसे जो है हमारा साधारण लक्ष्य का जो है हमारा साधारण विकास का लक्ष्य है कि देश विश्व में जो है गरीब लोग भूखे ना मरें, इसके कारण वो जीरो हंगर के लक्ष्य को बढ़ावा दिया गया। अब नेक्स्ट जो हमारा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, दोस्तों सभी आयु वर्ग के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, जो हमारा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग की जो लक्ष्य है, इसमें क्या गया बताया गया कि आयु वर्ग के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और जीवन को बढ़ावा देने का लक्ष्य इसमें बढ़ाया गया कि इसको हम 2030 तक ख़त्म कर देंगे। अब बात कर लेते हैं हमें क्वालिटी एजुकेशन। तो दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन में क्या होगा कि समावेशी एवं न्याय संगत गुणवत्ता योग्य शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ सभी वर्ग के लोगों को सीखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन में क्या होगा कि सभी प्रकार के जो गरीब पिछड़ी जात के जो भी लोग रहते हैं, उन लोगों को शिक्षा सही प्रकार से नहीं मिल पाती। यह इसमें यह लक्ष्य बनाया गया कि इसमें सभी वर्ग के लोग, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, नीच ऊंच इसमें नहीं देखा जाएगा और सभी लोगों को एक समान शिक्षा दी जाएगी, इसको बढ़ावा देने का। हज़ार 17 से लेकर 2030 तक क्या है कि सभी के लिए क्या है स्वच्छ जल की उपलब्धता हासिल करने का जो है लक्ष्य लिया गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें लक्ष्य हमारा है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो दोस्तों, सस्ती टिकाऊ और प्रदूषण रहित ऊर्जा सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा इसका और लक्ष्य जो हमारा है सतत विकास के लक्ष्य जो हमारे है कि सस्ती और प्रदूषण रहित सुनिश्चित करना। तो दोस्तों, इसमें क्या हो गया कि हम सस्ती ऊर्जा और टिकाऊ ऊर्जा और प्रदूषण से रहित ऊर्जा को सुनिश्चित करना है 2030 तक। अब बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट है, इसमें लक्ष्य है डेंसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है कि सभी पर के लिए पर्याप्त रोजगार और आर्थिक विकास को उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों, इसमें डेंसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या करना होगा
कि सभी के पास रोजगार जब ज़्यादा होंगे, आर्थिक विकास होगा, उसके कारण क्या होगा कि इसमें डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें जो नेक्स्ट हमारा है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर। दोस्तों इसमें क्या होगा कि बेहतर बुनियादी ढांचा तथा औद्योगिक कारण और नवाचार को बढ़ावा देना है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट है, ये रिड्यूस्ड इक्वलिटीज। इसमें क्या होगा दोस्तों कि अलग अलग देशों में व समाजों के बीच पर्याप्त असमानता को कम करना। तो दोस्तों अलग अलग देशों में और अलग अलग समाजों में असमानता ज़्यादा होती है, तो दोस्तों इसको कम करने के लिए भी इसको लक्ष्य बनाएगा। बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो ये दोस्तों इसमें क्या होगा कि सुरक्षित और टिकाऊ आधुनिक शहर व मानवीय समुदाय का निर्माण करना होगा इसमें। तो दोस्तों यदि इंग्लिश में कहीं मिस्टेक आपको होती है तो दोस्तों इंग्लिश थोड़ा वीक होने के कारण इंग्लिश को आप लोग मैनेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, इसमें बताया गया है रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर कंपोजिशन